अस्सलाम वालेकुम सो आज हम सर्कुलेशन फ़िजियोलॉजी के टेस्ट के एम सी क्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि टेस्ट में एम सी क्यूज़ दिए गए थे और उसमें मैं आपको हर एम सी क्यूज़ की एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कौन सा ठीक है और ये किस तरह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बिकॉज सर्कुलेटरी शॉक वाला चैप्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है उसका बहुत रोल है उसके काफ़ी एम सी क्यूज आप लोगों ने देखे हो गए और उसके अलावा भी बाकी कुछ इस तरह के पिन पॉइंट एम सी क्यूज़ हैं जो कि बार बार रिपीटेडली डिफरेंट एग्जाम्स में

रेडियस की पावर फोर तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास रेडियस कम हो रहा है तो हमारे पास जो फॉर एग्जाम्पल ये रेडियस की पावर फोर नहीं होता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर फोर फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है उन्होंने कहा कि रेडियस हाफ हुआ है इट मीनस यहाँ पे रेडियस आपका हाफ ऑफ आप कर देंगे और इसकी पावर फोर है तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ब्लड फ्लो आप देख सकते हैं वन बाई सिक्सटीन हो जाएगा तो ये याद रखना है कि हमारे पास थोड़ा सा भी रेडियस चेंज होता है तो ब्लड फ्लो में बहुत ड्रास्टिक कमी आती है इसी तरह रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमारे पास क्या हुआ है इस केस में हमारे पास रेजिस्टेंस सिक्सटीन टाइम्स इंक्रीज कर चुकी है यानी अगर हमारी आर्ट्री को यह है, उसका डायामीटर था टू मिलीमीटर mm. और वो अब हो गया वन मिलीमीटर तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास तो टाइम्स ब्लड फ्लो है अगर यही इन्होंने MCQs इस तरह पूछा होता है कि रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा तो रेजिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी तो ये दो तरह से ये पूछा जाता है तो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को आना चाहिए तो ये बड़ी अच्छी डायग्राम है इसमें आप लोग गौर से देख सकते हैं हमारे पास रेडियस है मिलीमीटर mm, तो रेजिस्टेंस है है ब्लड फ्लो आ है। अब हमारे पास रेडियस रेडियस डबल डबल हो गया जब हमारे हमारे पास रेडियस डबल हो तो पास होगा तो ब्लड फ्लो सिक्सटीन टाइम्स इंक्रीज कर गया यानी जब रेडियस ज्यादा होता है तो उसी रेशियो से ब्लड फ्लो इंक्रीज भी करता है रेडियस कम होता है तो उसी रेशियो से ब्लड फ्लो डिक्रीज करता है तो आप लोग देख सकते हैं जब रेडियस ज्यादा हुआ तो ब्लड फ्लो टाइम्स इंक्रीज किया और रेजिस्टेंस टाइम डिक्रीज की इसी तरह एक और एग्जाम्पल है उसमें रेडियस आप देख सकते हैं हाफ हो गया तो ये हाफ वाले रेडियस वाली एग्जाम्पल का आपको एमसीक्यूज दिखाया है तो आप लोगों को इस तरह भी आ सकता है कि अगर डबल हो गया डायमीटर तो क्या आंसर होगा तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए नेक्स्ट व्हेन अ पर्सन मूव फ्रॉम अ पोजीशन टू अ स्टैंडिंग पोजीशन विच आव दॉलोइंगल आप लेटे हुए हैं और उसके बाद आप एकदम खड़े होते हैं तो क्या आप चेंजेस देखते हैं आप चेंजेस देखेंगे इंक्रीज कॉन्ट्रेक्टिविटी अब इसकी मैं रीजनिंग बताऊंगा कि कॉन्ट्रेक्टिविटी क्यों इंक्रीज होगी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या होगा फॉर एग्जाम्पल वेन यू आर इन सुपीन पोजिशन तो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है पूरी बॉडी में अब आप खड़े हो जाते हैं तो ब्लड क्या होगा पूल अप हो जाएगा आपके लेग्स में यहाँ आपकी वेन्स में जो पेरीफ्री है वहां पे ब्लड ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा वहां पे पूल अप हो जाएगा जब वहां पे ब्लड पूल अप होगा तो जब आपका हार्ट पंप करता है तो रिसेप्टर आपकी जो नेक में प्रेजेंट है वो वहां पे फील करेंगे कि ब्लड प्रेशर कम है जब ब्लड प्रेशर कम है वो ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे एज अ रिजल्ट रिसेप्टर रिफ्लेक्स विल एक्टिवेट एंड वेन बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स विल एक्टिवेट विल विल्पेथेटिक डिस्चार्ज होगा

कॉन्ट्रेक्टिलिटी इंक्रीज होगी बिकॉज सिंपथेटिक डिस्चार्ज क्या करेगा हार्ट रेट भी इंक्रीज करवाएगा कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी इंक्रीज करवाएगा और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करवाएगा तो पहला ऑप्शन भी गलत है डिक्रीज टोटल पेरिफ़ेरल रेजिस्टेंस नहीं इंक्रीज करवाएगा क्योंकि अगर डिक्रीज हो जाती है हमारे पास टीपीआर तो क्या होगा तो ये ओपोजिट इफेक्ट शो करेगा कार्डिक का आउटपुट अब हमें इंक्रीज करवानी है सो द द नेक्स्ट फॉलोइंग मेजरमेंट अच्छा कार्डिक आउटपुट बाई फिक्स लो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये रिपीटेडली पूछा जाता है और इवन ये वाइवा में आपसे पूछा जाता है वाइवा में फिक्स लो की बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है तो आप लोग को फिक्स लो के बारे में पता होना चाहिए कि फिक्स लो क्या होता है ये फिक्स लॉ होता है कि आपने ये हमें कार्डिक आउटपुट फाइंड करने में हेल्प करता है इसमें क्या होता है टोटल ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन होती है वो आएगा न्यूमिरेटर में और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन की जो कंसेंट्रेशन होती है वो डिनोमिनेटर में और जो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन होती है पल्मोनरी आर्टरी में वो भी डिनोमिनेटर में आपको पता है ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन पल्मोनरी वेन में ज्यादा होती है बाकी सब वेन में आपके पास जो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम होती है इधर एक और इम्पोर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट मैं बता दूं कि आपके जो लंग्स को ब्लड जाता है वो पल्मोनरी से सिर्फ ऑक्सीजनेट होने के लिए जाता है आर्टरीज हैर्मनरी आर्टरी से जो आपके लंग्स को एलवीओलाई को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए ना उनकी जो ब्लड सप्लाई मेनली होती है वो ब्रोंकियल आर्टरीज के थ्रू होती है जो कि से ओरिजिनेट करती है तो इसको और परमनरी वेन और आर्टरीज को कंफ्यूज ना किया करें जो परमनरी वेन है उधर उसका हमेशा आपको पता है ऑक्सीजन की जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा होती है अब ऊपर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की कंजम्पशन क्या थी ऑक्सीजन की कंजम्पशन फाइव थी ये हमारे पास न्यूमिरेटर में आ जाएगा फिर हमारे पास जो पल्मोनरी वेन में है 0.24 तो यहाँ पे 0.24 पल्मोनरी आर्टरी की कंसेंट्रेशन आ जाएगी माइनस जीरो हमारे पास क्या हुआ 500 डिवाइडेड बाय 0.8 500 को 0.8 से आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा अब इधर इन्होंने मिलीलीटर में दिया हुआ है और इधर आंसर आप लोग देखें कि लीटर में दिया हुआ है तो ये आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है यहाँ पे वो ऑप्शन और मुश्किल देनी होती तो वो ये दे सकता है तो ये किस तरह बन रहा है? ये बेसिकली बन रहा है, मिली मिलीलीटर पर मिनट सिक्स uh, ट्वेंटी से ज्यादा बनेगा सिक्स अब तो हमने क्या करना होता है हमने ये देखना होता है लीटर और इनके यूनिट्स आप लोगों ने देखने हैं सिक्स पॉइंट टू फाइव बनेगा इसको आप चेंज करके पुट करके वैल्यू निकाल लें तो आपको आंसर सही आ जाएगा तो नेक्स्ट आ जाता है ब्लड फ्लो टू विच ऑर्गनइज कंट्रोल प्राइमरली बाय दिपथेटिकर्वस सिस्टम मेटोबोलॉजी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपने एक बात याद रखनी है कि जो हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है ना वो दो जगह पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं है कर रहा होगा मेनली जो ब्लड वेसल होती है दो जगह की एक ब्रेन की और एक हार्ट की बिकॉज जब आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं ब्रेन और हार्ट को उतना ब्लड चाहिए होता है अब सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ पे आपका ज्यादा एक्टिवेट होता है हाँ, ये right है है स्किन स्किन ये राइट आंसर बाकी करेक्ट अब यहां पे पे हार्ट आपके जो होते हैं ना लोकल मेटाबोलाइट्स मेन भी कंट्रोल कर रहे होते हैं यहाँ पे सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम मेनली कंट्रोल नहीं कर रहा होता आपको पता है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का ब्लड वेसल्स पे क्या इफेक्ट होता है तो हार्ट में अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक्टिविटी करने लगे हैं आप रनिंग करने लगे हैं उस टाइम आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और अगर आपके हार्ट की ब्लड वेसल्स पे सिंपैथेटिक एक्ट करता होता तो आपकी हार्ट की ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती और आपके हार्ट को पंप कम मिलता और आपके हार्ट को अगर ब्लड कम मिलता तो एज अ रिजल्ट आपका हार्ट डैमेज हो जाता तो इस वजह से सिंपथेटिक हमारे हार्ट पे मेनली नहीं एक्ट कर रहा होता लोकल मेटाबोलाइड्स होते हैं जो हार्ट में वो वेसल्स की वेजोडाजेशन रख रहे होते हैं ब्रेन पे भी किसी तरह नहीं एक्ट कर लेकिन जब स्केलेटल मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज आ जाएगा ना जब एक्सरसाइज तो कर रहे होते हैं तो स्केलेटल मसल को कंट्रोल कर रहे होते हैं लोकल मेटाबोलाइट्स जिसमें एडीनोसिन पोटासियम कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये सब कुछ आ जाते हैं तो एक और वीडियो मेरी MCQs पे पड़ी है उसमें सारे मेटाबोलाइट्स के इफेक्ट्स उसमें मैंने बताए थे कि ब्रेन में कौन सा मेटाबोलाइट सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर एक्साम्पल कार्बन डाइऑक्साइड होता सबसे इंपॉर्टेंट होता है हर जगह पे एक मेटाबोलाइट बहुत इंपॉर्टेंस रखता होता है और वो सारे एमसीक्यूज हैं तो स्किन जो है ना यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा सिंपैथेटिक क्या करवाएगा स्किन में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा जब स्किन की हमें अब स्किन में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी तो स्किन में हमें ब्लड की उतनी जरूरत नहीं थी

यानी अभी वो लेटी हुई है फिर भी उनका ब्लड प्रेशर लो है ब्लड प्रेशर लो होने की क्या वजह जब डायरिया होगा तो बॉडी वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज होगा जब बॉडी वॉल्यूम हमारे पास ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है बॉडी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा तो ये ब्लड प्रेशर उनका डिक्रीज है ये डायरिया किस भी डायरिया की वजह से है अब हमारे पास याद रखना है जो ब्लड प्रेशर होता है ना नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मली इसका हार्ट रेट से इनवर्स रिलेशन होता है उसकी रीजन क्या है फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लड प्रेशर कम होगा आपकी जो क्या रोटेड आर्टरीज है वो फील करेगी कि ब्लड प्रेशर कम है और वो ब्रेन को सिग्नल भेजेगी एज अ एजल्ट बैरोप्टर रिफ्लेक्स विल एक्टिवेट और जब बैरोप्टर रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है तो क्या होगा कि आपका हार्ट रेट ज्यादा हो जाएगा तो जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो आपका हार्ट रेट ज्यादा होता है आपको ये पता होना चाहिए इसका नॉर्मली इनवर्स रिलेशन होता है तो देखें हार्ट रेट ज्यादा

देखा जा रहा था कि कम है अब जब वो खड़ी हुई है तो ब्लड नीचे चला गया तो ब्लड प्रेशर और कम हो गया जब ब्लड प्रेशर और कम हुआ है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स सबसे तेज होता है तो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स ने उसी टाइम ब्रेन को सिग्नल भेजा और सिग्नल भेज के सिंपथेटिक रिस्पॉन्स एक्टिव करवाया उसकी वजह से जो हमारा हार्ट रेट था वो इंक्रीज कर गया तो दिस इज वाई हार्ट रेट इंक्रीजेज अब हार्ट रेट क्यों इंक्रीज किया था क्योंकि जो वीनस रिटर्न था वो डिक्रीज किया था क्योंकि हार्ट में ब्लड फॉर एग्जाम्पल ब्लड पूल अप हो गया था लेग्स में यानी यानीस रिटर्न जो था ब्लड ने जो हार्ट में जाना था वो डिक्रीज किया जब हार्ट में जो ब्लड जाना था वो डिक्रीज हुआ उसकी वजह से हार्ट ने कम ब्लड पम्प किया जब हार्ट ने कम ब्लड पम्प किया तो कैरोड रिसेप्टर्स ने फील किया कि ब्लड प्रेशर लो है और जब इसने फील किया कि बीपी हमारा लो है तो इसने बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिवेट किया वो गया उसने हार्ट रेट सिंपथेटिक रिस्पॉन्स एक्टिव किया उसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो गया तो इसका आंसर डिक्रीज रिटर्न है और जो बहुत से बच्चे इसका आंसर लगाते हैं वो होता है इंक्रीज वीनो कंस्ट्रिक्शन ये आंसर गलत है अगर इंक्रीज वीनो इंक्रीजन इज अ अंपेटरी रिस्पॉन्स अब जब वो खड़ा हुआ है ना तो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स ने सिंपथेटिक एक्टिवेट करके हार्ट रेट ज्यादा किया वो सिंपथेटिक अब गया साथ हमारे पास ब्लड वेसल्स पे उसने ब्लड वेसल में जाके वीनो कंस्ट्रिक्शन करवा दी वीनो कंस्ट्रिक्शन करवा के वो वीनस रिटर्न को मेंटेन करेगा ये कंपनसेटरी रिस्पॉन्स है और इस एम में उन्होंने ये पूछा हुआ है इन्होंने इसमें कंपनसेटरी रिस्पॉन्स नहीं पूछा हुआ इन्होंने ये पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अकाउंट फॉर फर्दर इंक्रीज इन्होंने ये इन्होंने उसकी कॉज पूछी हुई है तो हमने ये कॉज उसको बता दी तो कॉज ये थी कि वीनस रिटर्न डिक्रीज था नेक्स्ट एम सो नेक्स्ट इनहिबिटर ये बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे आप लोगों को लाजमी आना चाहिए रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पाथवे ये आपकी पूरी जिंदगी काम आने वाला है ब्लड प्रेशर इतनी कॉमन डिजीज है और ये सारा ब्लड प्रेशर से लिंक्ड है इज टू ईयर ओल्ड वुमेन द ड्रग लोवर दर्टीरियल प्रेशर अब देखें आपको पता होगा कि एंजियोटेंसिन टू जो होता वो blood pressure है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है इंक्रीज करवाता है तो वो किस तरह करवाता है पहले तो आपको ये पाथवे नजर आएगा आपका किडनी प्रोड्यूस करता है रेनिन रेनिन क्या करता है एंजियोटेंसिनोजिन लिवर में प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन एनजियो में अब ये एंजियोटेंसिन हमारे पास जाता है लंग्स में और लंग्स में जाके कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन टू में अब जो एंजियोटेंसिन वन एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट होता है ना उसको जो एंजाइम कन्वर्ट करवा रहा होता है वो होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिन वन इंटू एंजियोटेंसिन टू अगर हम एस इनहिबिटर यूज करते हैं तो ये वाला पाथवे ब्लॉक हो जाएगा और अगर ये वाला पाथवे ब्लॉक हो जाता है तो आपका एंजियोटेंसिन वन ज्यादा हो जाएगा एंजियोटेंसिन टेंसन टू प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो ये आपको याद होना चाहिए ये पाथवे पता होगा अब आपका एंजियोटेंसिन टू दो काम करवाता है ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता दूं इसने हमारे पास एक तो आर्टीरियोल की कंस्ट्रिक्शन करवानी है रेजो कंस्ट्रिक्शन क्योंकि जो एनजीओ टेंसन टू होता है ये हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाने में लगा होता है

देखा है, है और ये पाथवे जब ब्लॉक हो जाएगा तो हमारे पास एंजियोटेंसिन टू की फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगी तो ये आपका एमसीक्यूज हो गया तो ये इस डायग्राम से MCQ, SCQ, वारे वारे सब कुछ ही बनता है नेक्स्ट एमसीक्यूजी ट्वेंटी टू ईयर ओल्ड फीमेल मेडिकल स्टूडेंट है लोकल हेल्थ क्लब एंड इंक्रीज इन विच ऑफ दोस्टली टू अकर होती है तो आपके मसल को एनर्जी और न्यूट्रीशन किसने देनी होती है आपके ब्लड ने और आपके ब्लड ने ही आपके मसल्स तक लेके जानी होती है ऑक्सीजन अब ऑक्सीजन और जो फूड है वो ब्लड तक आप वो आपके मसल्स तक किसने लेके जाना है ब्लड ने और एक्सरसाइज के दरम्यान आपके मसल्स को फूड ज्यादा चाहिए कंडक्ट तो इन्होंने क्या-क्या इंक्रीज इंक्रीज होगा इन इन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज क्या क्या होगा वेस्कुलर कंडक्टेंस आपको पता है कंडक्टेंस ब्लड की इंक्रीज हो जाएगी वहां पे क्योंकि हमें ब्लड फ्लो ज्यादा चाहिए ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी उसकी रीजन यह वहां पे आपको पता है कि जब रेस्ट Uh, हमारी एनर्जी प्रोडक्शन होनी है तो ऑक्सीजन की कंजम्पशन होनी है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ऑब्वियसली ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज तो बहुत ज्यादा हो जाती है और एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट में ऑब्वियसली ज्यादा होगी उठा अटीरियोलर डाया मीटर ज्यादा होगा बिकॉज डाया जब ज्यादा होगा तो वहां पर ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो ये ऑल ऑफ द अब था

जब उसको इनफ्लेट करेंगे तो ऑब्वियसली जो वॉल्स है इस पर प्रेशर इंक्रीज होगा जब इस प्रेशर इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ राइट right एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज हो गया और राइट right एट्रिया का जब भी प्रेशर इंक्रीज होता है तो याद रखना है एट्रियल पेप्टाइड रिलीज होता है इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है इसको हम ए कहते हैं जब आपका राइट right एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज होता है ना तो राइट right एट्रियम में ब्लड आना होता है बॉडी से

उसकी ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करेगा और हमारी बॉडी में से सोल्ट एंड वॉटर एक्सक्रीट करेगा क्योंकि देखें अब राइट एट्रियम का प्रेशर ज्यादा हो रहा है इसका मतलब है हो सकता है बॉडी वॉल्यूम ज्यादा हो रहा हो तो ये क्या करेगा जाके सोल्ट एंड वॉटर को रिलीज करवाएगा बॉडी से ताकि बॉडी वॉल्यूम मेंटेन हो और इस तरह एट्रियल नेट्रियोटिक राइट एट्रियम का प्रेशर डिक्रीज करवा सकता है और ये हमारी हेल्प करेगा विच ऑफ़ द फॉलोइंग वुड बी एक्सपेक्टेड टू अकर इन कुछिंग रिएक्शन सो ये रिफ्लेक्स मैकानिजम बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ रिएक्शन कब होगा जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर कौन एग्जर्ट करता है सी एस एफ कार्ड जो हमारा सेलेब्रोस्पाइनल फ्लूड है हमारा ब्रेन जो है न वो जहाँ पड़ा हुआ है उसके इर्द गिर्द एक फ्लूड है जिसको हम सी एस एफ कहते हैं जिसने ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है ब्रेन को उसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अब उसका प्रेशर इन केस इंक्रीज कर जाता है तो क्या होगा जो ब्रेन में वेसल्स है ना वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी वेन् जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन में वो प्रॉपर नहीं जा रही होगी क्योंकि उसका जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वेसल है प्रेशर जब इंक्रीज करेगा तो ये ब्लड वेसल्स का साइज छोटा होगा तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या हो रहा है ये हमारे पास इसका जो डाया है वो डिक्रीज हो रहा है और इसका डाया जब डिक्रीज होगा हो ना तो हमारे पास सिंपथेटिक एक्टिविटी होगी उसकी रीजन क्या है कि ब्रेन ने सिग्नल भेजना है कि मुझे ब्लड चाहिए तो ब्लड भेजो तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा हार्ट रेट इंक्रीज करवाएगा हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करवाएगा जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा अब इधर एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो ये होता है जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना ये कभी भी हमारे पास ब्रेन की ब्लड वेसल पे ब्लड वेसल जो होती है ना ब्रेन की उस पर एक्ट नहीं करता अगर सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ब्रेन की ब्लड वेसल्स पे एक्ट करता होता तो यूजली सिंपथेटिक क्या करवाता है कॉन्स्ट्रिक्शन कॉन्स्ट्रिक्शन तो ब्रेन में हो जाती जो कि इस कंडीशन को वेट कर देता बट हमारा जो निजाम है उसमें जो ब्रेन की जो वेजो डायलेशन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल पे डिपेंड कर रही होती है वो लोकल मेटाबोलाइट पे डिपेंड कर रही होती है वो किसी ऑटोनोमिक सिस्टम पे नहीं डिपेंड कर रही होती है। तो क्या हुआ ने सिंपली हार्ट रेट इंक्रीज हार्ट की इंक्रीज जब वो इंक्रीज हुई ब्रेन की ब्लड सप्लाई थोड़ी बेहतर होगी वो कैसे बेहतर होगी फॉर एग्जाम्पल जब हमारे पास जब ब्लड प्रेश वो ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी ब्रेन में तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो आईसीएफ बाहर से प्रेशर लगा रहा है जो ब्लड है वो अंदर से प्रेशर लगा रहा है तो जब प्रेशर थोड़ा इन वैसलस में ज्यादा होगा तो वो बाहर के प्रेशर से दो, को डोमिनेट कर जाएगा और इसकी वजह से ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी तो ये कुशिंग रिएक्शन हमें हेल्प करता है नेक्स्ट एमसीक्यू 65 ईयर ओल्ड मैन हैज अ कंजस्टिव हार्ट फेलियर ही हैज कार्डियक आउटपुट ऑफ 4 लीटर पर मिनट आर्टेरियल प्रेशर 115 हार्ट रेट 90 अब इधर भी इन्होंने एक और चीज कहा कि राइट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज हो गया इसका राइट आंसर है वेना केवा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हमारे पास इस पेशेंट में इंक्रीज होगा तो देखें ये वेना केवा का प्रेशर है ये राइट एट्रियम में ड्रेन कर रहे हैं अगर राइट एट्रियम का प्रेशर हमारे पास ज्यादा हो जाता है तो जब प्रेशर राइट एट्रियम में ज्यादा हुआ है तो हमारे पास जो ब्लड अंदर आ रहा है वो डिक्रीज कर जाएगा ब्लड अंदर आने की कोशिश करेगा बट राइट एट्रियम का प्रेशर इतना ज़्यादा वो उसको ब्लड को आने नहीं देगा तो वो superior vena के वा और inferior vena पीछे जो ब्लड है वो वहां पे accumulate होगा। तो veins में ये ब्लड ज्यादा हो जाएगा और जब वेंस में ब्लड होगा तो वेन्स का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज कर देगा प्रेशर इन द लेग सो इसका आंसर है हमारे पास मूवमेंट ऑफ द लेग उसकी रीजन क्या है वीनस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्यों डिक्रीज करेगा जब आप मूवमेंट करते हैं लेग्स की तो जो लेग में मसल्स होते हैं ना या आपके लेग के मसल वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो वीनस रिटर्न इंक्रीज करता है आपके हार्ट में ब्लड चला जाता है ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया लेग के मसल ने ब्लड हार्ट में चला गया तो जो वीन थी ना उसमें ब्लड कम हो जाएगा क्योंकि ब्लड तो हार्ट में चला गया तो जब वीन में ब्लड कम होगा

प्लाज्मा बॉडी वाटर ज्यादा हो चुका होता है इस वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ है प्रेगनेंसी में और प्रेजेंट ऑफ जब एसाइटिस्यूमुलेट होता है हमारे एबडोम में तब भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ होता है नेक्स्ट है व्हाट ऑफन अकर इन डी कम्पनसेटेड हार्ट फेलियर सो डी हार्ट फेलियर फेलियर में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है और और होता है और क्या होता है और आप लोगों को कैसे पता लगेगा आपके सामने पेशेंट बैठा है कि आपको अंदाजा हो सकता है कि ये डीटेड हार्ट फेलियर का है उसकी रीजन मैं बताता हूँ और सौंपनिया होता है आप प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते जब आप लेटे होते हैं फॉर एग्जाम्पल आप फ्लैट बेड पर लेटे हुए हैं तो आपका जो ब्लड होता है ना पूरी बॉडी में इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड तो डिस्निया होता है तो सुप्रीम पोजीशन में क्या होगा हमारे पास हार्ट जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है तो हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पा रहा होता है तो जब हार्ट पंप नहीं ब्लड एक्यूमुलेट तो होगा? होगा तो पल्मोनरी वेन में प्रेशर इंक्रीज होगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जब पल्मोनरी वेन का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा वो हमारे पास ब्लड को वैसल से बाहर निकालेगी वो एडीमा करवा सकती है जब पल पल्म, वहाँ पलमिनरी एडिमा करवा रही होगी वो जब इंक्रीज होगा तो आप लोग रेस्पायरेशन में पड़ेंगे वहां पे जब फ्लूड आ जाता है तो हमारे पास कंप्लाइंस डिक्रीज होगी जब कम्पलाइंस डिक्रीज होगी तो एल्वियोलर एयर जो होगी उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो आप सांस नहीं ले सकते प्रॉपरली तो आप अगर कोई पेशेंट देखें कार्डियोलॉजी वार्ड में जाके उन किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो ना वो चेयर पे बैठाया होता है उसको क्यों जब चेयर पे बैठाते हैं तो जो ब्लड होता है ना वो ग्रेविटी की वजह से नीचे को जाता है तो उसकी वजह से जो ब्लड है ना ज्यादा आपके लंग्स में अक्यूमुलेट नहीं होगा और जब आपके लंग्स में बहुत ज्यादा ब्लड एक्यूमलेट नहीं होगा तो आप बेटर फील करोगे आपको थोपिया नहीं होगा अडीमा नहीं हो रहा होगा और उसकी वजह से आपकी जो कंप्लाइंस है वो नॉर्मल रहेगी तो ये रीजन होती है कि जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो स्पेशली अगर आप सुपाइन पोजीशन में लेटे हुए हैं तो और थोपनियाँ होता है और एकदम आप उठ के बैठ जाते हैं आप जब उठ के बैठेंगे तो रिलीफ फील करेंगे जिस जिसको हार्ट डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर हो रहा होता है a 50 अब फिफ्टी एन ओवर डोज ऑफ फिरोसामाइट सो फिरोसा माइट इज अ डायोरेटिक डायोरेटिक वो होता है जो हमारी बॉडी में से वॉटर और सोल्ड की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करवाता है हमारी बॉडी से और सोल्ड की एक्सक्रीशन इंक्रीज करवाएगा यानी ये बॉडी से रिमूव करवाएगा जब ये ज्यादा यूज होगा तो देखें ब्लड प्रेशर कम हुआ हुआ है क्योंकि बॉडी वॉल्यूम डिक्रीज हो गया बॉडी ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट का इनवर्स रिलेशन होता है नॉर्मल कंडीशन में तो आप लोग देख सकते हैं हार्ट रेट ज्यादा हो गया और रेस्पिरेटरी रेट भी ज्यादा हो गया अब हमारे पास जब फिर ने क्या किया था वाटर और सोडियम यानी इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से कम करवाया था तो इसकी बेस्ट थेरेपी क्या होगी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की जो चीज़ उसने कम करवाई है वही हम पूरी करें तो तो इसने इलेक्ट्रोलाइट कम करवाया था तो हम कर देंगे इलेक्ट्रोलाइट की तो जो चीज उसने कम करवाई थी वही हमने इन्फ्यूज कर दी ताकि क्या हो इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन हो जाए तो सिंपल जो चीज बॉडी से हमारे किसी हेमरेज में निकल रही है या किसी डिजीज में निकल रही है हमने वो पहले सबसे पहले प्रेफर करना है वही कंपनसेशन हो आगे आप और एमसीक्यूज देखेंगे तो ये आप फिक्स लो का एक और एमसीक्यू तो अब ये आप लोगों को खुद आना चाहिए पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीजन कंजम्पशन आ गई हमारे पास न्यूमिरेटर में 240 और हमारे पास पलमरी वेन की कंसेंट्रेशन नीचे 180 माइनस पलमनरी आर्ट्री वन यानी 240 फोर्टी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी होगा टू फोर्टी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी ये फिक्स प्रिंसिपल आप लोगों को आना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत से एमसीक्यूज आएंगे अब ये इंपॉर्टेंट अ पर्सन हैज एन एक्सरसाइजिंग फॉर वन आवर विच ऑर्गन विल हैव द स्मॉलेस्ट डिक्रीज इन ब्लड फ्लो तो ब्लड फ्लो ब्रेन का नॉर्मल रहना क्योंकि आपके ब्रेन में तो हमेशा नॉर्मल ब्लड सप्लाई होनी चाहिए ना आप एक्सरसाइज करें या ना करें आपके ब्रेन को ब्लड चाहिए आप एक्सरसाइज करें या ना करें आपका हार्ट को नॉर्मल ब्लड चाहिए तो याद रखना है कि कोई भी सिचुएशन हो जाए आपका ब्लड फ्लो हार्ट और ब्रेन में हमेशा नॉर्मल रहेगा वो उसको नॉर्मल रहना पड़ता है उधर का ब्लड फ्लो हमेशा नॉर्मल रहेगा जो इंटेस्टाइन होती है वहां का ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा उसकी रीजन क्या है फॉर एग्जाम्पल आप खेल रहे होते हैं तो आपकी डाइजेशन नहीं हो रही होती क्योंकि तो इंटेस्टाइन का ब्लड फ्लो डिक्रीज फिर हो जाता है नॉन एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल का ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है लेकिन अगर एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल हो तो इंक्रीज होता है तो ये आप लोगों ने चीजें याद रखनी है ये सारे एमसीक्यूज है अगर इस तरह नहीं आएगा तो किसी और तरह आ जाएगा ब्रेन का ऑप्शन नहीं होगा तो हार्ट का ऑप्शन होगा अगर हार्ट का ऑप्शन नहीं होगा तो एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल का ऑप्शन हो सकता है तो आप लोगों ने तैयार रहना होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन विच कंडीशन आपके बुक में ग्राफ भी बना हुआ है आपको अच्छी तरह आना चाहिए कि किन कंडीशन में कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होती है और किन कंडीशन में कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होती है तो डिक्रीज होगी क्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जब भी हमारे हार्ट में कोई फेलियर आ रहा है ना या हार्ट को प्रॉब्लम आ रही है एरिमिया या समथिंग लाइक दैट तो कार्डिक आउटपुट नहीं डिक्रीज होना होता है जब हार्ट की कोई सिचुएशन होती है हार्ट की कोई बीमारी होती है सर्कुलेटरी शॉक के पहले पेज पे आप लोग पढ़ लेंगे बाकी में इंक्रीज हो रही है तो हम देखते हैं क्यों इंक्रीज हो रही है जब हमारे पास अनिमिया होता है तो क्या होगा ब्लड में ब्लड सेल्स कम है आरबीसी कम है हीमोग्लोबिन कम है और उनका क्या काम था ऑक्सीजन को उन्होंने कैरी करना था अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी है तो बॉडी ब्लड को ज्यादा पंप करेगी ताकि वो बॉडी की जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है वो पूरी रख सके क्योंकि उसके कैरियर्स कम हो गए हैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ, कोई आपने कोई खाना पहुंचाना है आपके पास तीन राइडर्स है तीन राइडर्स हैं आप खाना पहुंचाएंगे टाइम लगेगा अगर आपके पास वही दस राइडर्स होंगे तो आप खाना पहुंचाएंगे तो जल्दी पहुंचेगा मतलब एट द सेम टाइम अब इसी तरह ये हो रहा है पहले अगर नॉर्मल ब्लड है तो उसके पास ऑक्सीजन कैपेसिटी नॉर्मल थी तो हमें कार्डिक आउटपुट कम देना पड़ रहा था अब उसके पास पीछे हमारे पास ब्लड सेल्स हो गया है डिक्रीज एनीमिया के केस में तो अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज अब उसको ज्यादा बारी पंप करना पड़ेगा ब्लड को ताकि ज्यादा बारी फिर ऑक्सीजन जाए ताकि नॉर्मल मेंटेन हो सके हाइपर थार जब थायराइड ज्यादा होगा हमेशा बात याद रखनी है थायराइड ज्यादा हर चीज ज्यादा होती है मेनली इसमें ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होता है इसमें आपका जो होता है हार्ट रेट भी ज्यादा होता है इसमें आपका मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा होता है तो हाइपर के केस में जब ये सब कुछ ज्यादा हो रहा होता है ना तो आपका कार्डिक आउटपुट भी ज्यादा होता है फिर आ जाता है एट्रियोवेनस फिस्टुला तो ये क्या होता है आपके पास आ, ये फॉर एग्जाम्पल ये आर्ट्री है और ये आगे उसके बाद वेन है अगर इसमें शंट बन जाए यानी एबनॉर्मली कोई आर्टरी वेन से जुड़ जाए तो क्या होगा अभी फॉर एग्जाम्पल उसने आर्टरी से आगे जाना था और आगे जाने से पहले ही वो ब्लड मुड़ गया वेन की तरफ तो जिधर उसने ब्लड ने जाना था अभी वो वहां पे गया ही नहीं तो जब ब्लड वहां पे गया ही नहीं तो हमारे पास वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो इस वजह से हार्ट को ज्यादा पंप ब्लड करना पड़ जाता है क्योंकि बीच में वो रास्ता चेंज कर लेता है तो बीच में जब वो रास्ता चेंज कर लेगा तो एज अ रिजल्ट हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है ताकि उस जगह को भी हम ब्लड पहुंचा सकें बैरी बैरी की कंडीशन क्या होती है जब की डेफिशिएंसी आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे और तब इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड होती है जब भी मेटाबॉलिक डिमांड इंक्रीज होगी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी और जब भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी तो हार्ट की एक्टिविटी इंक्रीज होगी ताकि वहां पर ज्यादा ब्लड भेजा जाए और ब्लड ने ऑक्सीजन लेके जानी है ताकि ब्लड उसकी तरफ खाना लेके जा सके उसकी न्यूट्रिशन लेके जा सके आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की तो आप सोचिए क्या होना चाहिए आपके जो एक्सरसाइज है उस स्टार्ट होने पे आपको पता है कि आपकी जो है वीनस कॉन्स्ट्रिक्शन होनी चाहिए वीनस कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होगी जब आपके जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना आपके मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड वेसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो वेन्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वीनस रिटर्न खुद खुद ब इंक्रीज होगा और वीनस रिटर्न इंक्रीज इसलिए चाहिए क्योंकि बॉडी में हमें ब्लड चाहिए बॉडी ने अब ऑक्सीजन क्योंकि अब बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा हो गया है तो उसको जितना वीनस रिटर्न ज्यादा होगा उतना कार्डिय आउटपुट का ज्यादा होगा और जितना कार्डियो आउटपुट का ज्यादा होगा उतनी बॉडी की डिमांड

आप लोगों के लेवल पे आप लोगों ने याद रखना है जब भी आप एंजाना पढ़ लें अपने लेवल पे आपने याद रखना है इसकी सबसे प्रेफरेबली जो ट्रीटमेंट होती है नाइट्रोग्लिसरीन होती है आपने सुना होगा घरों में अपने के अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो एक गोली होती है एनजीसिड जिसको डॉक्टर कहते हैं कि जुबान के नीचे रख लें क्योंकि ये जो जुबान के नीचे रखने वाली गोली होती है ना ये असल में नाइट्रोग्लिसरीन ही होती है एनजीसिड उसका नेम है फार्मा फार्मेसी जो नेम है लेकिन वो होती है नाइट्रोग्लिसरीन है वो क्या करती है वो बेजो डायलेशन करवाती है आपके हार्ट की वेसल्स की ताकि हार्ट को ब्लड नॉर्मल जाए अगर हार्ट को ब्लड नॉर्मल ही नहीं जाएगा तो हार्ट ओब्वियसली डैमेज होगा और अगर हार्ट डैमेज हो गया तो बॉडी को ब्लड नहीं जाएगा तो हमें पहले सबसे पहले अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना होता है तो इंजाइना के केस में क्या होता है इंजाइना के केस में होता ही है कि हमारे हार्ट को हाइपोक्सिया हो रहा होता है हमारे हार्ट का ब्लड नॉर्मल नहीं हो रहा होता हार्ट हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उधर ब्लड कम लेके जा रही होती है तो हम वेजो डायलेशन करवाना चाह रहे होते हैं हार्ट में जो ब्लड वेसल्स हैं ताकि वो डायलेट हो उधर तक ब्लड ताकि हार्ट में नॉर्मल ब्लड जाए जब हार्ट में नॉर्मल ब्लड जाएगा तो वो ऑब्वियसली नॉर्मल काम करेगा इसकी ये एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल आपके घर इलेक्ट्रिक मोटर चलती है वो टू ट्वेंटी वोल्ट पे चलेगी अगर आपके घर की वोल्टेज आपकी इलेक्ट्रिक करंट हंड्रेड वोल्ट आने लग जाएगा वो मोटर नहीं चलेगी वो वर्क नहीं करेगी सही से आपने क्या करना है इसी तरह हार्ट की जो मोटर है वो क्या है

राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो फ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन तो राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन से मुरा, मुराद होता है पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस तो पल्मोनरी आर्टरी का स्टेनोसिस होता है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट में टेट्रोलॉजी टेट्रोलॉजी ऑफ ऑफ में में हमारे पास दूसरी होती है राइट right वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हाइपरट्रॉफी क्यों होगी जब हमारे पास हम उसकी रीजन पहले मैं बताता हूँ जो एओर्टा होती है ना वो नॉर्मली आपको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है एओर्टा नॉर्मली

स्टिनोसिस एंड एयोटिक रीगर्जिटेशन नेट स्ट्रोक वॉल्यूम जब भी वॉलर डिजीज होती है ना ये दोनों हार्ट के वॉल्व की डिजीज है एयोटिक भी हार्ट वॉल्व की डिजीज है एयोटिक रिगर्जिटेशन भी हार्ट वॉल्व की डिजीज है जो ये डिजीज होती है ना इसमें हमारे पास जो आउटपुट होता है ना स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट वो डिक्रीज ही होता है उसकी रीजन ये होती है क्योंकि जब स्टिनोसिस होगा तो जब हार्ट पम्प करेगा तो हार्ट से ब्लड प्रॉपरली बाहर नहीं जा सकता

सेप्टिक शॉक इज एसोसिएटेड विद नहीं सेप्टिक शॉक ये राइट आंसर आंसर ये फॉल्स है और इन्होंने हमसे फॉल्स ही पूछा हुआ है तो ये बीटा इज द राइट आंसर इस केस में सेप्टिक शॉक में हमारे पास कोल्ड स्किन नहीं होती इसमें हमारे पास हॉट स्किन से हीट निकल रही होती है उसकी रीजन क्या है सेप्टिक शॉक की आपको पता होना चाहिए कि करेक्टर क्या क्या है जो मैंने वीडियोस में भी बताए थे कि करेक्टिक इसमें करेक्टर होता है फीवर इसमें करेक्टर होता है वेजो जब वेजो होगी तो ब्लड वहां पे जाएगा ब्लड वहां पे जाएगा तो क्या होगा एज अ रिजल्ट हीट उमिट होगी जब हीट बॉडी से निकलेगी तो आपकी स्किन तो आप हीट फील करोगे फीवर होता है फीवर में आपको पता है गर्मी हीट आपको समटाइम लग रहा होता है हो रही है तो जो सेप्टिक शौक है ना उसमें हमारे पास हीट होती है स्किन में जो हमारे पास ऐसा शौक होता है ना जिसमें कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हुई हो कार्डिक आउटपुट जिस डिजीज में डिक्रीज होती है जिस शॉक में डिक्रीज होती है तब कोल्ड कार होगी फॉर एग्जाम्पल हाइपोवल्यूमिक शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक और एक और इम्पोर्टेंट एस सी क्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एमसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कौन से शॉक में कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगी तो याद रखना है सेप्टिक शॉक में कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होती है तो ये बहुत पूछा जाता है और ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेप्टिक शॉक ऐसा शॉक है जिसमें कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगी तो आपके पास ऐसे शौक भी प्रेजेंट है जिसमें आउटपुट डिक्रीज हो रही है ऐसे शौक भी प्रेजेंट है जिसमें आउटपुट नॉर्मल है फॉर न्यूरोजेनिक ऐसा न्यूरोजेनिकाक भी प्रेजेंट है जिसमें कार्डिक आउटपुट ज्यादा है स्टिल बंदा शौक में है और वह सेप्टिक शौक वट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ इवर्सेबल स्टेज इसेबल स्टेज हमेशा तब होगी जब बॉडी में नेक्रोसिस हो गया हो और नेक्रोसिस क्या होता है नेक्रोसिस होता है सेल डेथ और सेल डेथ इिवर्सेबल होती है जब सेल डेथ इ हो जाए ना तो फिर उसके बाद हम वहां पे ब्लड दे भी देते हैं उसको ऑक्सीजन न्यूट्रिशन सब कुछ भी दे देते हैं उसने वापस नहीं आना तो इसमें हमारे पास जो बेस्ट आंसर है ना द टिश्यू डैमेज इज टू ग्रेट एंड नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू विल अकर इफ टिश्यूल ही अगर हमारे पास वहां की ब्लड सप्लाई मेंटेन भी हो जाती है वो मर चुका है अब उसको कोई भी कंडीशन आप जितना मर्जी उसको ब्लड दे दें वो वापस नहीं आ सकता तो याद रखना है कि इ स्टेज ऑफ शॉक हमेशा तब आएगी जब आपके बॉडी के टिश्यूज की डेथ हो जाएंगी और उसमें बहुत जो हो होती है, हमारे पास कार्डियक मसल की डेथ जब कार्डियक मसल की डेथ हो जाती है तो कार्डिक अपना फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर पाता और उसकी वजह से बॉडी को ब्लड नहीं जाएगा इसलिए एक और एमसी क्यूज है कार्डियोजेनिक शॉक इज द फर्स्ट मोस्ट कॉमनली अक्रिंग कार्डिक शौक सबसे ज्यादा जो शौक होता है कार्डियोजेनिकौक उसके बाद जो शौक कॉमन है वो होता है Because septic shock is caused by bacteria, और infection हमारे वैसे ही सराउंड में बहुत कॉमन है नेक्स्ट है वर्ट्स द करेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विश द सेप्टिक शौक फ्रॉम द हाइपोवलिमिक श्यौक एंड द कार्डियोजेनिक शौक सेप्टिकौक में मैंने बताया था स्किन में हीट होगी क्योंकि वेजोडाइजेशन हो रही होती है कार्डिक आउटपुट ज्यादा होती है फीवर होता है तो कार्डिक आउटपुट जब ज्यादा होती है हीट ज्यादा ज्यादाट होती है तो हमारे पास स्किन में फ्लश स्किन होती है तो ये आप पढ़ सकते हैं चार्ली ऑप्शन विल लीड टू तो वॉर्म फ्लश स्किन इन सेप्टिक शॉक पेशेंट और अगर आपसे पूछे कार्डियोजेनिक की कैसे होगी तो कोल्ड कालमी स्किन होगी इनकी सो द नेक्स्ट ईयर ओल्ड मैन हैड अ हार्ट अटैक टू डेज अगो एंड ब्लड प्रेशर टू डिक्रीज ही इज नाउ इन कार्डियोजेनिक शॉक अब ये इसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से कार्डियोजेनिक शॉक में जा रहा है इसकी यानी अंडरलाइन कॉज अब हार्ट अटैक भी हुआ था और अब ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है कार्डियोजेनिक शॉक में जा रहा है तो इधर जो बेस्ट ट्रीटमेंट होगा ना इन पांचों में से हमने देखना होता है बेस्ट ऑप्शन तो बेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंडर जब हम ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंडर इस केस में लगाएंगे तो क्या होगा हार्ट में जब पहले तो बॉडी वॉल्यूम मेंटेन होगा बॉडी वॉल्यूम मेंटेन हो होकर ब्लड प्रेशर मेंटेन होने की ट्राई होगी फिर जब हमारे पास वीनस रिटर्न ज्यादा होगा तो क्या होगा फ्रेंस ट्रालिंग इफेक्ट होगा ब्लड उसमें ज्यादा आएगा फ्रेंक स्ट्रालिंग इफेक्ट और हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन बेहतर होगी उसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा तो ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंडर ही इसका आंसर बन सकता है बाकी इसमें अच्छे ऑप्शन ये है इससे अच्छा ऑप्शन हो सकता है बट इसमें बेस्ट ऑप्शन यही है फिर हमारा बॉडी वॉल्यूम डिक्रीज करती है सिंपेथेटिक इनहिबिटर नहीं हमने देना एक्टिवेटर दे सकते हैं ट्रीटमेंट so याद रखनी है फंक्शन uh, होता है ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाती है और जब ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगी तो हमारे पास ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा और जब ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है शौक में हमने यही करना होता है कि ब्लड सप्लाई मेंटेन कर दें तो जो हमारे पास होता है ना एना स्पाइनल एनस्थीजिया में यही होता है कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो चुका होता है तो हम सिंपैथ खुद दे, दे देंगे एक्सटर्नली ताकि वो एक्ट करे वेजो कंस्ट्रिक्शन कराए ब्लड मिन, प्रेशर मेंटेन करवाए और हमें ये कोरेक्ट कर दे ये बड़ा अच्छे अच्छा एमसीटी वन ईयर ओल्ड मैन हैज कार्डिक रिजर्व ऑफ थ्री हंड्रेड परसेंट कार्डिक रिजर्व क्या होता है आपके हार्ट में ना आपका हार्ट फॉर एग्जाम्पल ब्लड पंप कर रहा है जो हार्ट का कार्डिक आउटपुट है ना ये आपका हार्ट का ब्लड वो है जो हार्ट पंप करता है नॉर्मली उसके अलावा कोई जितनी एक होती है मैक्सिमम स्वियर जितनी मर्जी स्वियर कंडीशन कंदी, में चल जाए जो मैक्सिमम हार्ट ब्लड पंप कर सकता है ना वो आपका हार्ट डिपेंड करता है कितना पंप कर सकता है इसमें है थ्री हंड्रेड परसेंट ऑफ द कार्डिक आउटपुट यानी उसका हार्ट जितनी कार्डिक आउटपुट करता है ना उससे तीन गुना ज्यादा ब्लड वो फर्दर पंप और भी कर सकता है अगर वो स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाए फॉर एग्जाम्पल आपके फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम करते हैं आप दिन में एक बुक पढ़ सकते हैं नॉर्मली आप पढ़ते हैं एक बुक लेकिन आप में कपेसिटी है कि आप दिन में चार बुक्स भी पढ़ सकते हैं तो ये आपकी जो बाकी तीन बुक्स पढ़ने की एबिलिटी है ना वो आपका रिजर्व है वो आप कर सकते हो आप कर नहीं रहे क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में आपको जरूरत नहीं है प्रोफ के दिनों में आपको जरूरत होगी आप एक बुक नहीं चार पढ़ोगेटी पहले भी थी वो यूज कब की जब कंडीशन स्वियर आई सेम यही हार्ट के साथ है उसके पास कार्डिक रिजर्व पड़ा हुआ है तो ये थ्री हंड्रेड परसेंट है कार्डिक आउटपुट इस बंदे की टोटल मिला के कार्डिक आउटपुट और कार्डिक रिजर्व सिक्सटीन लीटर है अब इसमें से यानी वन फोर्थ जो होगा ना तीन हिस्से है कार्डिक रिजर्व और एक हिस्सा है कार्डिक आउटपुट तो हमारे पास जो सिक्सटीन लीटर ये टोटल बनाता है तो एक हिस्सा कार्डिक आउटपुट है यानी चार लीटर कार्डिक आउटपुट है ट्वेल्व लीटर कार्डिक रिजर्व है तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए अ ट्वेंटी फाइव इल्ड मैनजीन इन अ मोटरसाइकिल रेक एंटर द एमरजेंसी डिपार्टमेंट हिज क्लॉथ आर वेरी ब्लडी ये क्या हमें शो करवा रहा है कि उसका ब्लड लॉस हुआ है ियल प्रेशर कम जब हमें सबसे पहले ना कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है ब्लड प्रेशर मेंटेन करना होता है क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर मेंटेन नहीं होगा तो हमारे बॉडी को ब्लड नहीं जाएगा ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रखना होता है क्योंकि ब्लड मेंटेन नहीं होगा तो बॉडी को ब्लड नहीं जाएगा तो ये हमें सब कुछ ये वाइटल्स को नॉर्मल पैलाना होता है हार्ट रेट इंक्रीज आपको नजर आ गया कि इन्वर्स रिलेशन होता है हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर का रेस्पिरेटरी इंक्रीज तो हम क्या करेंगे तो बेस्ट थेरेपी तो होती है जो चीज बॉडी से निकली है वो चीज बॉडी में लगा दो जब आपका एक्सीडेंट होता है आपका ब्लड लॉस होता है और जब आपका ब्लड लॉस होगा तो आप इन्फ्यूज करोगे ब्लड जब ब्लड की इन्फ्यूजन होगी तो वो चीज नॉर्मलाइज हो जाएगी अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जाम्पल आपको फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट आया है स्वियर डायरिया के साथ प्रेजेंट किया है उसको वॉमिटिंग आ रही है कंटिन्यूसली वॉमिटिंग आ रही है सीवियर डायरिया है तो क्या हो रहा है स्वेटिंग बहुत ज्यादा है ये सारी कंडीशंस करवाती है इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस डायरिया भी वोमिटिंग भी उस पेशेंट में क्या कम हो रहा है उसमें इलेक्ट्रोलाइट कम हो रहा है ब्लड नहीं कम हो रहा आपने उसको इलेक्ट्रोलाइट देना है तो हर पेशेंट की सिचुएशन होती है कि वो किस सिचुएशन में आपके पास आ रहा है फिर नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं इसमें वो किसके साथ आया इसमें हेमरेज हुआ है उसको तो इसमें भी यानी ब्लड लॉस तो हो रहा है एंटिल द इमरजेंसी

प्लस आपके पास प्लाज्मा पे यानी प्लाज्मा सबसे ज़्यादा रिजेंबल करता है तो फिर हम क्या प्रेफरेबली क्या करेंगे हम उसको प्लाज्मा लगा देंगे उसमें प्लाज्मा लगा देंगे अगर केस प्लाज्मा भी अवेलेबल नहीं होता तो हमारे पास प्लाज्मा एक्सपेंडर्स आते हैं डेक्स्ट्रॉन के नाम से हम उसको प्लाज्मा एक्सपेंडर देंगे हमने बेस्ट पॉसिबल चीज़ करनी है ताकि हम ब्लड प्रेशर मेंटेन कर सके क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम हम मेंटेन नहीं करते मेंटेन नहीं करते तो वो पेशेंट सिवियर कंडीशन में चला जाएगा सो दिस इज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज़ आई होप आप लोगों को इस सारे एमसीक्यूज से कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा आप लोगों ने कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सीखे होंगे आप लोगों को कुछ ना कुछ पता लगा होगा कि क्या किस तरह किया जाता है और ये सर्कुलेशन में सर्कुलेटरी क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाई हुई है लाजमी देखें एम सी क्यूज की वीडियो अवेलेबल है मैंने बनाई हुई है वो देखें उसमें सारे हाई गिर एम सी क्यूज है कोई भी फजू एम सी क्यूज नहीं मैं डाला हुआ ताकि वो सारे एमसी क्यूज आपके कॉन्सेप्ट को मोल्ड करेंगे अगर अभी आपका कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन सो आई विल गिव यू द आंसर सो दिस इज ऑल अबाउट एम सी क्यूज जो आज के टेस्ट में आए थे फर्दर आपकी क्यूरीज मैं दूर कर देता हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में अभी पूछ सकते हैं अगर पूछना चाहते हैं चलिए एक क्वेश्चन है कि जब आप पहले तो बात है खाना खा के कभी एक्सरसाइज नहीं करते आप लोगों ने बहुत जगह पड़ा होगा क्योंकि उस टाइम आपको ब्लड सप्लाई बाकी ऑर्गन्स में ज्यादा चाहिए होती है अगर आप इन थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं नॉर्मल तो आपने फील किया होगा तो

जब आप एक्सरसाइज करोगे आपका सिंपथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होगा आपकी पेरिस्टॉल रुक जाएगी आपका फूड जिधर था उधर ही रहेगा तो इस वजह से ये खाना खाते ही एक्सरसाइज कभी नहीं की जाती क्योंकि उस टाइम ब्लड सप्लाई भी कम होगी उस टाइम पेरिस्टॉल भी कम होगी तो जब क्योंकि उस टाइम डाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि बॉडी फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में गई हुई है अच्छा सर सेप्टिक शॉक में सब पेशेंट्स में कार्डिक आउटपुट ज्यादा क्यों नहीं होता कार्डिक शॉक डिपेंड करता है शॉक की डेफिनेशन सबसे पहले पता होनी चाहिए शॉक की ये डेफिनेशन होती है कि हमारे पास जो बॉडी है उसमें ब्लड प्रॉपरली नहीं जा रहा न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं जा रही अगर ब्लड प्रॉपरली नहीं जा रहा फॉर एग्जाम्पल आपके जो लेग्स है उसको ब्लड चाहिए वहां पर ब्लड नहीं जाएगा उसको न्यूट्रिशन आपकी लेग को चाहिए आपके जो लेग में सेल्स हैं उन तक न्यूट्रिशन नहीं जाएगी उन तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी आपके वो सेल्स हो जाएंगे और वो इनफेक्ट हो जाएंगे ब्लड सप्लाई उनके रोगगी वो डेड हो जाएंगे तो जब इस तरह हमारी बॉडी के डिफरेंट वाइटल ऑर्गन भी डेड होने लग जाते हैं ना ब्लड सप्लाई नहीं उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि कार्डिय वो हमारे पास सर्कुलेटरी शॉक में जा रहा है अब सर्कुलेटरी शॉक में वो किस कुछ किसी भी तरह जा सकता है बेशक कार्डिक आउटपुट नॉर्मली भी हो तब भी वो जा सकता है फॉर एग्जाम्पल सेप्टिक शॉक में क्या होता है आपकी मेटाबोलिक डिमांड ज्यादा हो जाती है इसकी यही एग्जाम्पल है आपके घर में पांच बंदों का खाना बनता है सेप्टिक शॉक में मैं बताने लगा पांच बंदों का खाना बनता है पांच बंदे खाते हैं नॉर्मल कंडीशन में अब आपके जो एक बच्चे अब वो ना सारे छोटे बच्चे हैं छोटे बच्चे खाना खा लेते हैं अब वही जो एक साल का बच्चा खाना खा रहा था अब वो बच्चा हो जाता है अठारह साल का आपको लगता है कि वो उतना ही खाना खाएगा नहीं ना उसकी खाने की डिमांड बढ़ गई है तो उसका उतने से पेट नहीं भरेगा अगर उसकी उसको हम फूड नहीं देंगे प्रॉपर ही विल डाई सेम इज द केस विद बॉडी सेप्टिक शॉक में क्या होता है हमारे सेल्स की मेटाबॉलिक डिमांड इंक्रीज कर जाती है उनको फूड रिक्वायर होता है बट उन तक जब फूड प्रॉपर नहीं पहुंच रहा होता जबकि कार्डिक आउटपुट ज्यादा है बॉडी उनको बहुत ज्यादा फूड दे रही है लेकिन स्टिल उनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो चुकी है उनका उतने से गुजारा नहीं हो रहा तो वो उनकी डेथ स्टार्ट हो जाएगी तो इस वजह से वो हमारे पास शौक में बंदा चला जाएगा जो टेक्ट्रोलॉजी ऑफ फैलेट होता है टेक्ट्रोलॉजी ऑफ फेलेट की कंडीशन में मैंने बताया चार चीजें होती हैं ये वाइवा क्वेश्चन भी है इसमें याद रखना है सर राइट हार्ट को याद रखना है आपकी जो एयोटा होती है वो राइट हार्ट से ओरिजिनेट करेगी इस केस में इस केस में पल्मोनरी आर्टरी स्टिनोसिस होगा अब आपकी एयोटा और पल्मोनरी आर्टरी राइट हार्ट से कर रही है तो राइट right हार्ट को ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है तो उसकी हाइपर हो जाएगी उसकी हाइपर ये थर्ड पॉइंट हो गया और फोर्थ पॉइंट क्या है कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट right वेंट्रिकल का जो सेप्टम है वो खत्म हो जाएगा और जब वो सेप्टम हमारे पास खत्म हो जाएगा